Now second type of diamond is cut diamond. It is also called as diaper. एक marks खा सकता है ये. ये बनेगा वही draft और pack plan we will draw first. But now we will be taking third derivative of Hobsack, that is hearing bone twill. इसमें ऐसे ऐसे होता था. यों, फिर यों और यों, फिर यों, फिर यों और यों इसमें जुड़ गया. तो ऐसे बन जाती थी hearing bone. ठीक है. तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट हीरिंग बोन ट्विल. और इसका रिपीट साइज अब पहले वहां से पता होना चाहिए आपको हीरिंग बोन ट्विल कैसे बनती है. नहीं पता होगा तो ये बनाने मुश्किल आएगी. लेट अस मेक इट द डायमंड डायपर ऑन 16 एंड. तो 16 एंड का हाफ बनेगा इसमें. हाफ होता है 8. तो मैं 16 × 8 का ड्राफ्ट बना रहा हूं. 8 × 16 का बाद में यहां पर पैक प्लान ड्रॉ करूंगा. ये इसे थोड़ा सा गैप दे के जरूर बनाना है वरना ये डायमंड में घुस जाएगा. और फिर डिजाइन बनेगा 16 × 16 का. तो लेट मी फिल. तो वी हैव ड्रॉन 16 × 8 ड्राफ्ट, 8 × 16 का पैक प्लान. आप जब वीडियो को देख रहे हो तो पहले रोक कर ये ड्रॉ करना. नाउ आई एम ड्रॉइंग 16 × 16 ये डिजाइन. तो बीच में से 8 8, ठीक है. 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 2. अब इनके बीच में एक एक लाइन चाहिए. ये 8 हो गए. इसका हाफ 4 2 1 1, 4 2 1 1. ये इसका भी हाफ, 8 का हाफ 4 2 1 1. ये हो गया इसका हाफ, 8 का हाफ 4, हाफ ऑफ 4 इज 2. ये ऑटोमेटिकली इसके सामने आ जाएगा अगर आप ऐसे बनाओगे तो. ये 16 × 16 बन गया. तो लेट अस फर्स्ट मेक ड्राफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. हियरिंग बोन ट्विल में क्या होता है, 8 के बाद में 1 2 3 4 हाफ से शुरू होगा. 4 3 2 1 6 8 7 6 और 5, ये इसके बराबर आ गया. अब वही चीज है, इधर से शुरू कर लो या इधर से. मैं इधर से कर रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1, फिर ये 8 7 6 5. ऐसे भी रख के भर सकते हो, यूं और यूं जैसे वो भरा था, कोई दिक्कत नहीं. इसमें अब अप जितना करना है, नहीं करना तो इसको छोड़ देना सर्कल को. मैं 2 अप कर रहा हूँ रूटीन में जो होते हैं समझाने के लिए. 1 2, वन टू, वन टू, वन टू. तो दिस इज ड्राफ्ट पैक प्लान. नाउ फ्रॉम दिस वी विल बी ड्राइंग डिजाइन. वैसे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये पहले तो यूं का यूं ही बनेगा. बेस्ट है कि ऐसे का ऐसे बना लो फर्स्ट 8 में. ये फर्स्ट 8 है, थोड़ा बीच में निशान लगा लो. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ 1 2 3 4, 3 2 1, 8 7 6 5, और इसमें 2 आप भर लो हर एक में. वन और ये 2 यहां आएगा इस लाइन के पास, इसके 1 2.
इसका यहाँ पर वन टू वन टू टू वन ये यहाँ आना था वन टू ठीक है। अब इधर ड्रॉ करते हैं, अब ये वाला एंड जो है फोर्थ हील्ड शाफ्ट में, फोर्थ हील्ड शाफ्ट की वर्किंग ऐसे है फोर्थ वन टू थ्री फोर ये वाले इसको यहाँ भरना है। ए वन छोड़ दिया टू, थर्ड में सर्कल है, फोर्थ में सर्कल है, फिफ्थ में क्रॉस है, फिर वन टू थ्री वन टू थ्री, फिर सर्कल और फिर एक और सर्कल, फिर एंड में क्रॉस है। अब ये नेक्स्ट वाला है थर्ड में, थर्ड की वर्किंग ऐसे है ये रही, इसमें क्या वन टू थ्री दो सर्कल, वन टू थ्री दो सर्कल एक क्रॉस, उसके बाद में दो गैप और एक सर्कल, दो गैप और एक सर्कल, उसके बाद में एंड में सेकंड लास्ट और लास्ट सेकंड, ये सेकंड हील शाफ्ट में इधर से देख लेते हैं सेकंड जल्दी आ जाए, वन टू थ्री फोर तीन सर्कल, वन टू थ्री फोर दो सर्कल एक क्रॉस, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः छोड़ दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः छोड़ के एक क्रॉस और दो सर्कल। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट हील शाफ्ट, फर्स्ट यहाँ पास में वन टू थ्री फोर फाइव, पांच के बाद में वन टू थ्री फोर फाइव एक सर्कल दो सर्कल एक क्रॉस, दो सर्कल एक क्रॉस, फिर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, उसके बाद में एक क्रॉस दो सर्कल। अब इन नेक्स्ट वाला जाएगा फर्स्ट नहीं एट्थ हील्ड शाफ्ट में, एट्थ यहाँ से भी और वहाँ से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले रहा हूँ ऊपर से भर देता हूँ, वन टू दो छोड़ के सर्कल सर्कल क्रॉस, फिर वन टू थ्री वन टू थ्री तीन छोड़ के दो सर्कल, फिर एंड में क्रॉस। एट्थ के बाद में नेक्स्ट है ये सेवन्थ, ये सेवन्थ ये रहा, ये नीचे ले आओ, ये एक सर्कल एक क्रॉस, फिर एक दो तीन चार पाँच के बाद में एक सर्कल, एक दो तीन चार पाँच के बाद में एक सर्कल, फिर वन टू फिर क्रॉस सर्कल सर्कल। अब ये वाला एंड गया इसमें, ये गया सिक्स सेवन्थ एट्थ सिक्स हील्ड शाफ्ट में, सिक्स हील्ड शाफ्ट है ये ऐसी वर्किंग, ये नीचे ले आओ, ये अभी सामने तो फटाफट हो जाएगा ना, दो सर्कल एक क्रॉस, दो सर्कल एक क्रॉस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसके बाद में एक क्रॉस और दो सर्कल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक क्रॉस और दो सर्कल, ये ऐसे पता लग गया, देखो क्रॉस लाइन में आ रहे हैं, ठीक चल रहे हो आप, ये लाइन में आ रहे हैं ठीक चल रहे हो। फिर आ गया फिफ्थ, फिफ्थ वाला भी इधर से ही ले लेते हैं पास है, इसमें क्या है एक गैप दो सर्कल एक क्रॉस, ये देखो लाइन से, फिर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर, फिर क्या है एक क्रॉस और दो सर्कल, यही है। तो ये देखो बन गया, ये लाइन पूरी है, ये लाइन पूरी है, ये टूट गई आधी हो गई, ये टूट गई आधी हो गई, ये यहाँ से टूट कर ऊपर चली गई, ये भी टूट के यहाँ से शुरू करना था, ये यहाँ से शुरू किया तो ये यहाँ तक आ गई, फिर ये ऊपर चली गई टूट गई। तो ये है आपका कट डायमंड और डायपर, कट गया ये वाला, वरना वो पहले क्या था यहाँ और ये जो जुड़ा हुआ था,
अब ये दो हिस्सों में काट दिया, ऊपर नीचे कर दिया, सो इट इज कॉल्ड एज कट डायमंड और डायपर।